छतरपुर में बांस उजारा डैम के सभी गेट खोले जाने से धसना नदी में बाढ़ आ गई। 18 लोग नदी में अचानक पानी बढ़ने से बाढ़ में फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर बचाया गया। धसना नदी में फंसे चपरन गांव के 18 ग्रामीणों को रेस्क्यू करके सकुशल बाहर निकाला गया। बीते दिन बांस उजारा डैम के सभी 12 गेट खोलने से धसना नदी उफान पर आ गई। नदी में आई बाढ़ में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग फंस गए। प्रशासन को जैसे ही इस बात की सूचना मिली तो तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू टीम ने बोट की मदद से बाढ़ में फंसे 3 परिवार के लोगों का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन विधायक, पुलिस और राजस्व अमले की मौजूदगी में चला। हमें अलर्ट मिला था परसों से लेकर ही, और प्रशासन द्वारा मुनादी भी कराई गई थी, सबको सूचना दी थी। कल इस गांव में पुलिस की टीम और रेवेन्यू की टीम भी गई थी बताने के लिए, लेकिन कुछ लोग वहाँ रहे और पानी बढ़ गया और वो लोग निकल नहीं पाए, ऐसा उनका कहना है। तो हमें रात्रि में ये सूचना मिली थी। रात्रि से ही माननीय विधायक जी, प्रशासन और पुलिस की टीम पूरी यहाँ पर लगी हुई है। तो जो रिलीफ की टीम है, उन्होंने बताया था कि सनराइज़ में उसको इजीली कर सकते हैं, और जहाँ वो लोग थे उसका पानी से 7-8 फीट ऊपर थे, तो वो लोग सुरक्षित थे। इसीलिए हमने रात भर, हमारी टीम यहीं स्टेशन रही, बेस्ड रही, हमने सही समय का इंतज़ार किया और सुबह होते ही टीम ने जाके पूरे 18 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। हम लोग को रात को जानकारी लगी, जब तक प्रशासन को भी जानकारी लग गई थी, तहसीलदार साहब ऑलरेडी पहुंच चुके थे, SDM मैडम भी रास्ते में थे, हम लोग भी रास्ते में थे। फिर रात को हम लोग यहाँ पे आए तो ग्रामवासियों से मुलाकात हुई। पुलिस भी उस टाइम तक 2 बार चक्कर लगा चुकी थी। रात भर से प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है, सहयोग क्या, पूरी कार्रवाई उनकी तरफ से करी गई, जिसके लिए मैं उन लोग का बहुत बहुत आभारी हूँ ग्रामवासियों की तरफ से। और सब लोग सुरक्षित निकाले भी गए हैं, इसकी सबसे ज़्यादा तसल्ली है और खुशी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।